हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपनी लॉ के अंदर करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। सबसे पहले हम देखते हैं बोनस का अर्थ क्या होता है आम भाषा के अंदर। देखो, जो बोनस है ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस से खुश होके, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से खुश होके सैलरी और वेजेस के अलावा जो है उनको बोनस देते हैं। लेकिन जब हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टैचुटरी बोनस है। स्टैचुटरी बोनस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। ये बोनस जो होता है इस एक्ट के मुताबिक एक स्टैचुटरी लायबिलिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन, जिन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है उनको, जो इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉयज़ कवर होते हैं उनको ये देना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की। देखो, ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है ये बेसिकली बोनस कमीशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 के अंदर सेटअप किया था उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे है। और ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, इवन जम्मू एंड कश्मीर को भी एप्लीकेबल है। ये 29th और 65 के अंदर जो था एग्जिस्टेंस में आया था ऑडियंस के द्वारा। ऑडियंस को बाद में एक्ट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। और देखो, जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है कि जो सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, देखो ये हर तरह के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। उनके अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो मतलब जो इनकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को देना होता है। और यहाँ पे देखो, जो एक्ट है ये एक मैंडेटरी लायबिलिटी है, स्टैचुटरी लायबिलिटी है कि एम्प्लॉय ने जो है बोनस देना ही है। और यहाँ पे जो बोनस है प्रोडक्शन या प्रॉफिटेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, ये एक सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन है। अब हम देखते हैं कि ये एक्ट जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। देखो, हर एक फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होता है। फैक्ट्री के अलावा अदर एस्टैब्लिशमेंट जिसके अंदर 20 या उससे ज़्यादा लोग जो है अकाउंटिंग ईयर के अंदर काम करते हैं, अगर वो एक दिन के अंदर, मान लो अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो है किसी एक पर्टिकुलर डे पे उनका नंबर जो है 20 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। इवन ये एक्ट तब भी एप्लीकेबल होगा अगर नंबर ऑफ पर्सन जो है एम्प्लॉयड जो है 20 से कम हो जाती हैं। और देखो, यहाँ पे कौन से लोगों को हमने इस एक्ट के मुताबिक बोनस देना है, जिनकी सैलरी जो है 21,000 से एक्सीड नहीं करती। पहले जब ये एक्ट पास हुआ था तो सैलरी जो थी 3,500 थी, बाद में ये 10,000 कर दी गई, अब ये 21,000 है। और देखो, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट जो है सेक्शन 3 के अंदर जो है ये डिफाइन नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो है डिपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं, अंडरटेकिंग भी आ जाती हैं, ब्रांचेस भी आ जाती हैं। और देखो, यहाँ पे डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट का अर्थ होता है कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी जो है कैरी ऑन की जाती है। और यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट्स या अंडरटेकिंग या ब्रांचेस जो होता है एस्टैब्लिशमेंट का ही हिस्सा माना जाता है, चाहे वो सेम जगह पे सिचुएटेड है चाहे अलग जगह पे सिचुएटेड है। बट अगर कोई डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग या ब्रांच जो है जिसके अंदर सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनती है तो उनको हम सेपरेट एस्टैब्लिशमेंट मानते हैं। और देखो, अगर सरकार चाहे तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अर्थ होता है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो है, कोई अदर एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है 10 और 19 के बीच में है, 2 मंथ का नोटिस देके, ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन देके एक्ट की एप्लीकेबिलिटी करवा सकती है। अब हम देखते हैं कि किन एम्प्लॉयज़ को जो है इस एक्ट के अंदर बोनस देना होता है। यहाँ पे देखो, मीनिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज़ सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट। एम्प्लॉय का अर्थ होता है कोई भी पर्सन अप्रेंटाइज को छोड़ के, यहाँ पे उसको सैलरी और वेजेस देती है। और ये सैलरी जो है, वेजेस जो है 21,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे वो उनको किसी भी इंडस्ट्री के अंदर रखा गया है और वो किस तरह का काम करते हैं, स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, सुपरवाइजरी भी हो सकता है, मैनेजरल भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, क्लेरिकल वर्क भी हो सकता है। और यहाँ पे उनको
रखा गया है ये रिवॉर्ड बेसिस पे। और यहाँ पे देखो जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है, तो वो इम्प्लॉयज़ जो है कवर होते हैं अगर उनकी सैलरी जो है 21,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। अब देखो जो इम्प्लॉयज़ है इसके अंदर प्रोबेशनर, जो प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर इम्प्लॉय किए जाते हैं, रिट्रेंच्ड इम्प्लॉयज़ भी शामिल होते हैं, सीजनल इम्प्लॉय भी शामिल होते हैं, टेम्प्रेरी इम्प्लॉयज़ भी शामिल होते हैं, पार्ट टाइम इम्प्लॉयज़ भी जिनको पीसीस के हिसाब से सैलरी दी जाती है, इवन जो सस्पेंडेड होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है, और जो डिसमिस किए जाते हैं लेकिन उनको बैक मतलब वेजेस के साथ दोबारा से रीस्टेट कर दिया जाता है वो भी शामिल होते हैं। बट इसके अंदर कुछ लोग जो होते हैं कुछ लोग जो होते हैं कवर नहीं होते। अगर देखो कोई एम्प्लॉई जो है उसको हायर किया गया है जनरल इंश्योरेंस का बिज़नेस के लिए या लाइफ इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी इसके अंदर जो है कवर नहीं होते। और उसी तरह जो सीमैन है जो जिसको के मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है वो भी कवर नहीं होता। और देखो कोई एम्प्लॉयज़ जो है डॉक वर्कर के अंदर जो है रजिस्टर्ड है तो वो भी नहीं। और जो बेसिकली क्या है कि जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट का है या लोकल अथॉरिटी का है तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो भी इसके अंदर कवर नहीं होते। और जो रेड क्रॉस सोसाइटी के एम्प्लॉयज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के एम्प्लॉयज़ हैं, हॉस्पिटल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं इस्टेब्लिश गई तो वो भी एम्प्लॉयज़ इसके अंदर कवर नहीं होते। और उसी तरह जो एम्प्लॉयज़ जो है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है बिल्डिंग ऑपरेशन के लिए रखे जाते हैं वो भी इसके अंदर जो है कवर नहीं होते। और देखो यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो लोगों को रोज़गार दिया जाता है, फिनेंशियल कॉरपोरेशन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउस बैंक, एनी अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है। और इसी तरह जो एम्प्लॉई जो है बेसिकली क्या है कि उनको इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है रखा गया है और वो भी जो लोग होते हैं इसके अंदर नहीं कवर होते। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयर जिसकी स्टैचुरी लाइबिलिटी होती है कि उस एक्ट के अंदर उसने बोनस जो है देना ही है तो उसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डिफाइन करता है। देखो अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है जो कि फैक्ट्री है तो ऑनर हो गया, ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री हो गया, इवन ऑनर या ऑक्यूपायर का एजेंट भी हो गया, और कोई जो ऑनर या ऑक्यूपायर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जो है एम्प्लॉयर के रूप में माना जाता है। या देखो सेक्शन 7 ऑफ द फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक जिस बंदे को मैनेजर दिया जाता है उसको भी एम्प्लॉयर का जो है माना जाता है। अब हम देखते हैं कि किसी दूसरी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर द पर्सन हु और द अथॉरिटी जिसका पूरा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कंट्रोल है और जिसके अंदर क्या है कि ये जो काम है एस्टेब्लिशमेंट को हैंडल करने का मैनेजर को दिया गया है या मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया गया है तो उनको भी एम्प्लॉयर के अंदर जो है कवर किया गया है। अब हम देखते हैं सैलरी और वेजेस के अलावा, देखो ऑल रेम्यूनरेशन ओवर टाइम काम के लिए जो मिलती है उसको छोड़ के जिसको हम मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं जो काम किया है उसके बदले में जो देनी है। और यहाँ पे अगर कोई फ्री फूड अलाउंस है या फूड जो है सैलरी और वेजेस के बदले में दिया जाता है तो वो भी कवर होता है। बट इसके अंदर जो हम नहीं कवर करते जो एक तो हाउस अकोमोडेशन का अलाउंस हो गया, एक सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस, एनी ट्रैवलिंग अलाउंस, एनी कमीशन पेबल, बोनस रिटेंचमेंट कंपनसेशन एंड ग्रेचुटी जो है उसको हम इसमें कवर नहीं करते, सैलरी और वेजेस के अंदर नहीं लेते। और देखो कौन से लोग जो हैं एलिजिबल होते हैं, कोई भी जो एम्प्लॉई है जिस देखो वो बोनस के लिए एलिजिबल है अगर उसने उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 30 या उससे ज़्यादा दिन जो है काम किया है। और देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि देखो कोई भी एम्प्लॉय जो है
माना जाएगा कि उसने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम किया है, चाहे उसको लेड ऑफ कर दिया गया है, चाहे वो सैलरी और वेजेस के साथ लीव पे है, चाहे वो टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट की वजह से, जो कि जो एक्सीडेंट हुआ है जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ है उसकी वजह से वो टेम्प्रेरी डिसेबल है, और जो एम्प्लॉय जो है मैटरनिटी लीव पे है उसको सैलरी और वेजेस उस अकाउंटिंग एंड में मिलती है, तो वो लोग जो हैं इसके अंदर जो है इंक्लूडेड है, उनको बोनस जो है इंटाइटल्ड है। और यहाँ पे देखो हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे एक एम्प्लॉय है उसने सारे वर्किंग डेज में काम नहीं किया तो यहाँ पे उसको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखो जो ये वाले एम्प्लॉयज़ हैं इनको बोनस मिलता है जो प्रोबेशन पीरियड पे होते हैं, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ हैं, सीजनल एम्प्लॉयज़ हैं, टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं, पीस रेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, सस्पेंडेड एम्प्लॉयज़ हैं, डिसमिस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको बैक वेजेस के साथ जो है मतलब पुरानी जो वेजेस जिस पीरियड के अंदर डिसमिस किया गया था वो पुरानी वेजेस भी उनको उस पीरियड की मिलती है अगर उनको दोबारा से रख लिया जाता है, रिस्टेट कर दिया जाता है। बट इसके अंदर कुछ लोग जो होते हैं डिसक्वालीफाइड होते हैं। देखो अगर उनको डिसमिस जो है इस फ्रॉड के बेसिस पे किया गया है, कोई वायलेंट बिहेवियर है, या उसने जो एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी है उसमें से चोरी की है, या उसको मिसयूटिलाइज किया है, या उसको ब्रेकडाउन किया है, तो अगर इस वजह से वो डिसमिस हुआ है तब वो डिसक्वालीफाई है, तब उसको बोनस जो है इस एक्ट के मुताबिक